ना पेट में नहीं दबेगा। हाँ और जगह बनेगी। एवरीवन वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी हमारी मॉर्निंग। आज तो मैं नहा धो के फुल अपना पूजा पाठ करके मॉर्निंग वॉक करने आई हूँ। अक्षय भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, वो उठे नहीं है। तो मम्मा ने बोला कि चल मैं भी वॉक पे जा रही हूँ आगे तक, तो भी चल पड़। यहाँ पे योगा एक्सरसाइज तो करी नहीं मैंने, दो दिन हो गए। पर यह है कि यहाँ सुबह उठ के आप अगर वॉक भी कर लो तो इतनी फ्रेश फ्रेश हवा मिलती है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना, क्योंकि फिर 9 बजे के बाद यहाँ धूप लग जाती है, फिर तो मुश्किल हो जाता है जाना। तो वैसे मैं अपनी मम्मी के साथ मॉर्निंग वॉक पर आई हूँ। मम्मी आगे आगे चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, आप डेली आते हो? आराम से आराम से। हाँ यहाँ है कि फ्रेश फ्रेश हवा होती है। हाँ तो मम्मी पापा तो बहुत सुबह उठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस व्लॉग को शुरू करती हूँ। अभी तो मैं वॉक पे जा रही हूँ, उसके बाद जब मैं आऊँगी तो मैं आपको काली माता के दर्शन भी ज़रूर दिलवाऊँगी। तो मम्मी पापा तो डेली वॉक पे आते हैं और इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हैं और अपना एक्सरसाइज करके आराम से वॉक करेंगे। पापा तो करते नहीं क्योंकि सुबह सुबह ही खेत चल जाते हैं, उनकी एक्सरसाइज तो वहीं हो जाती है। तो मैंने कहा चलो जितनी देर मैं हूँ यहाँ पे, मैं भी सुबह सुबह वॉक पे आ सकती हूँ मम्मी के साथ आराम आराम से। तो बस हम अपनी वॉक करते हैं, उसके बाद फिर वापस जाएंगे, फिर अक्षय को भी उठाएंगे। जय हो काली माता, सब पर अपनी कृपा रखना। जय हो माता रानी। तो हम अभी वॉक करके आए, तो मैंने सबसे पहले आपको माता रानी के ही दर्शन करवाए हैं। तो मम्मी पापा लग गए हैं जो हमारी फोटो फ्रेम्स है इसको लगाने। अब एक तो उन्होंने लगा दी है, एक हमारे कमरे में लगा रहे हैं और एक फैमिली वाली ऊपर लगा दो, ये वाली इस कमरे में लगा दो। अपनी तो सबसे पहले लगा रही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो सबसे पहले लगा दी है। पेज कस दे दो, क्या कर रहे पेज? अब हमारी फोटो लग नहीं। बिल्कुल लगाओ लगाओ, हम थोड़ा सा काम निपटा के आते हैं बड़े से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के लक्ष्य की गुड मॉर्निंग आराम से ही होते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इनफैक्ट मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती। रेस्ट होना बहुत जरूरी है ना। और वैसे बोलते हैं कि जैसे हॉलीडे पे जाते हैं ना लोग, वैसे लोग ससुराल में हॉलीडे पे आते हैं। तो हॉलीडे शिमला में इतनी गर्मी है, शोर शराबा है। तो थोड़ा तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं फ्रूट्स खाती हूँ लंच से पहले। तो दिन में मैं 2-3 बार फ्रूट्स खा लेती हूँ क्योंकि हेल्दी फूड खाना जरूरी है। तो बस मम्मी ने फ्रूट काट दिए क्योंकि अभी हम थोड़ा सा वॉक पे गए थे, तब तक मम्मी ने फ्रूट्स काट लिए। अक्षय भी आ रहे हैं और थैंक यू सो मच जो आपने मेरी हमारी बात समझी और हमें सपोर्ट किया। तो अब मम्मी पापा भी यहाँ पे बैठे हैं। मम्मी ने अपने बुनने का चार्ज ले रखा है, अब ये साइड में रखा है, अब इसके बाद वो बुनना शुरू करेंगे। और पापा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए, स्प्रे करके थक गए। तो चलो मैं इनके साथ फ्रूट्स खाती हूँ और थोड़ी देर गपशप मारती हूँ, उतनी देर अक्षय भी आ जाएंगे। शुक्र है अपनी बोतल लेके तो आए, नहीं तो मेरी बोतल का सारा पानी खत्म कर देते थे। मेरा नया की 5 अपनी अपनी बोतल पे हो रही थी और मैं तभी लेके आया था, मेरे को पता था ये पानी ज्यादा पिएगी तो खत्म हो जाएगी, फिर लड़ाई हो जाती है। तो आज हमारा डिनर है चाचू के घर में और चाचू यहीं रहते हैं साथ में आगे, तो वहाँ जाएंगे। उससे पहले मेरे को मम्मी ने काम दिया था फ्रेम्स लगाने का, पहले फ्रूट्स खा लो यार, आपका वेट कर करके फ्रूट्स। बस अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, मेरा काम हो गया, अब मैं फ्री हूँ, अब हम कर सकते हैं। ठीक है। तो मम्मी को देखो, मम्मी कई दिनों से कुछ बुन रहे, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देते, जब आपको बता दिया। मम्मी बना रहे हैं कपड़े बुन के, वो भी बच्चे के लिए, क्या बात है मम्मी। और एक तो मम्मी ने सेट तैयार भी कर दिया है, उसको देख के तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना। अब दूसरा सेट जो है ना पिंक में तैयार कर रहे हैं, अब जो भी होगा लड़का होगा चाहे लड़की होगी, दोनों तरह के कपड़े तैयार हो रहे हैं। थैंक यू मम्मी। वेलकम। कैसा लगा आपको सुन के? बहुत अच्छा। हम लोगों ने भी काफी टाइम से इसको छुपाया रखा था, पर जब मम्मी वापस से शेयर की तो मम्मी पापा को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। मम्मी तो खैर हमें काफी टाइम से बोल ही रहे थे कि नेक्स्ट अब मैं यही चाहती हूँ कि कब तुम हमें जो है ना पोता पोती दे। तो मम्मी और अक्षय लग गए फोटो फ्रेम्स लगाने। तो ये भाई इस रूम में तो पूरा फैमिली के साथ फ्रेम लग रहा है ना। ये देखो इसका सेट यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ ये ऐसे इतना कर लो। हाँ इतना ठीक है। और इसमें है यहाँ पे देखो इसका निशान लगा लेते हैं। हाँ ताकि सीधी लगे। हाँ तो फिर अब अक्षय और मम्मी ने एक फ्रेम तो लगा दिए, दोनों
टेक्निकल टेक्निकल बोल रहा है खुद को टेक्निकल टेक्निकल कैसे थे मेरे मम्मी दोनों टेटी भी लगा दी दोनों ने और मेरे को जहां तक लगता है मम्मी ने मुझसे गलत यही थी बेटा आपने निशान लगाए निशान लगाए थे क्यों टेटी ये नहीं टेटी मम्मी किसी का नहीं मानती है नहीं, देखा? ये अक्षय ने किया टेढ़ा मैंने किया ये अब आप ठीक ये अक्षय मैं बोल रहा था मेरे को नापने दो नहीं अक्षय थोड़ा सा मतलब क्या हो गया साई का निशान लगाया था ना यहां मैंने वो बतक नहीं लगा बेटा इन्होंने नीचे लगा दी थी मैं क्या तुम दोनों ही किसी काम के नहीं है काम के नहीं दो मिनट अभी देख लेते हैं ऐसे कैसे कोशिश तो पूरी करेंगे हम के लग और ये हुई एक फोटो फ्रेम में इतनी गलतियां कर रहे दोनों आपको तो बैठे बैठे फ्रेम बना बना लगा लगा मिल रहा है ना एक्चुअली ये मम्मी और मेरी कोऑर्डिनेशन थोड़ी गलत होगी मैं बोल रहा था मैं बोल रहा था नेहा यहाँ है मम्मी बोले नहीं नहीं ये है चलो सासू माँ की सुन लेते हैं इतना ही फर्क पड़ा हाँ बस इतना ही फर्क है मैंने बोला था ना कि जैसी मैं खड़ी होंगी वैसे ही देखो फोटो फ्रेम लग गई सीधा है हाँ अब सीधा लग रहा है हाँ पहले ऊपर लगाया था ना वो टेढ़ा था दो अनाड़ी लगाया थी पहले कहाँ थी तू पहले मैं सोचा चलो बच्चों को करने देती हूँ ठीक है ना यहाँ पे इधर तो नहीं लगाना था नहीं जगह ही नहीं है ये देखो यहाँ पे हमारे पास चाऊ भी है गुच्छी की सब्जी शाम को कल शाम को क्या बात है तो इसको सुखाना पड़ता है तभी सब्जी बनती है अच्छा चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलो एक फोटो फ्रेम तो मम्मी पापा ने सुबह ही अपनी यहाँ लगा दी थी और अच्छी लग रही है इसके साथ ही मेरा एक फोटो का कोलाज है जो यहाँ पे लगा हुआ है पहले मेरी फोटो थी यहाँ पे लगता है वो उतर गई है वो अब हमारे रूम में चली गई है यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की आ गई है ठीक लगाइए ये तो सीधे अब नीचे जाना नीचे वाले रूम में हमारे हम दोनों को नीचे जगह मिली है ऊपर हमें जगह नहीं मिली मेरे को ये जो कैमरा पकड़ गया तो बताओ अब ये वाली नेहा कौन सी पसंद है आपको इसमें हाँ बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मम्मी ने तो मैं इसमें नेहा मेरे को कौन सी अच्छी लगी ये वाली ये मेरे ऑफिस वाली है तो हमारे आने का एक ये फायदा हो गया कि फोटो फ्रेम्स भी लगी मम्मी पापा को हेल्प मिल गई अरे पहुंच गई यहाँ तक वो भी बड़ी बात है नहीं तो शिमला में धूल खा रही थी सारी तो अब हम कहाँ पे लगा रहे हैं अपने रूम में मतलब रूम में भी रहेगी ना मम्मी पापा हमारा रूम बोलते हैं इसको वैसे हमारा नहीं है नहीं पता नहीं आई डोंट नो शादी के बाद क्या पता भैया का हो जाए हाँ तो चलो जो भी फिलहाल तो हम ये मम्मी शादी के बाद उनका पर ये तुम्हारा ही है हमारा ही है अखिल भाई का ऐसे परे वाला बीच वाला तो ये हमारा रूम हो गया बेसिकली हाँ। और यहाँ पे मम्मी ने बड़े गंदे तरीके से जो है लगाया कुछ करते हैं है ना एक बार इसका सेंटर देख लो कहाँ चाहिए बस यही है ये कैसे जुड़ेगा फिर थोड़ा सा ऊपर हाँ थोड़ा नीचे रखो हाँ यहाँ तो ये मम्मी ने हमें दिया है ओम इसमें गणपति जी भी बने हुए हैं तो एक मम्मी ने अपने डोर में लगाया एक हमको हाँ मेरे को और अक्षय को दिया कि तुम भी शिमला में अपने डोर में लगाना तो थैंक यू सो मच मम्मी इसको हम नीचे ले जाएंगे पहले इसकी शुद्धि करेंगे उसके बाद इसको अपने जो हमारा मेन डोर है शिमला में वहाँ लगाएंगे मम्मी भी वैसे हर महीने जब मैं आती हूँ कुछ ना कुछ कभी जोत दे देते हैं कभी कुछ दे देते हैं हाँ और अक्षय अब लग गए हैं दीवार तोड़ने तो मिस्टर और मिसेस दिलाई की फोटो लग चुकी है yes. इसमें तो कवर है ऊपर दूसरों में नहीं है ऐसा क्यों कैसा कवर अच्छा इस साइड से निकाल रहा हूँ अच्छा प्लास्टिक का साइड में फ्रेम पे था हाँ ताकि अब इसको निकाल देते ऑफिशियली हमारा रूम हो गया यस आज से मम्मी ने इस रूम में मेरी जितनी भी चीजें थी जितने मेरे टैडी थे जो थे सारे इसी रूम में भर के लाए हैं अभी हमारा है ना इसी वजह से अब मैं अपने टैडी कहीं ये देखो किसका पांडा एक पांडा हेलो एक बुन्नू हमारा गांव में मेरे सिर्फ एक ही दिल तमन्ना है कि मुझे डोरेमोन चाहिए था जितना अक्षय है ना उतना मिल नहीं रहा है वैसे भी डोरेमोन बहुत रेयरली मिलता है मेरा फेवरेट कार्टून है वो फेवरेट तो मेरे को बहुत था कि मैं लूं पर अब तो मेरी जिंदगी में डोरेमोन अगर आप लोगों के पास आइडिया है कि कहाँ मिल सकता है तो जरूर बताएं प्लीज बताएं तो अक्षय के बराबर डोरेमोन चाहिए जितना अक्षय ऊंचा हाँ कैसा बना है दलिया
बहुत बढ़िया, चाची ने नेहा के लिए बनाया था, मतलब हमारे लिए भी बनाया था स्पेशली तो नेहा के लिए, जब से न्यूज़ पता लगी है सबको तो कुछ ना कुछ आता रहता है। और ये यहाँ खिड़की में बैठ के ना काफ़ी मज़ा आ रहा है, यहाँ से आप बाहर देख सकते हो ठंडी हवा चली है, थोड़ी सी धूप भी है और एकदम पीस, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, और साथ में खाने का। कई लोग बोल रहे थे कि नेहा का घर बहुत अच्छी जगह है, थैंक यू सो मच, ये तो मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देन है, वो यहीं पे आए थे तो उनकी वजह से ही हम लोग इतनी अच्छी जगह में रह रहे हैं। सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हर चीज है यहाँ पे, मतलब आप देखो ना साथ में घना जंगल भी है, खाली भी है, ऑर्चर्ड भी है, धूप भी है, हवा भी है, ठंड भी है, तो एवरीथिंग तो मजेदार। हाँ तो एक मैम बोल रहे थे कि मैम आप शिमला में तो ढाटू नहीं पहनते हो, को घर मायके में क्यों पहनते हो। मैम मेरा ये होता है कि जैसा देश वैसा भेष, जब भी मैं गांव जाती हूँ चाहे कीत है चाहे चौपाल है, तो मैं ढाटू पहनना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। और ये हमारा कल्चर भी है ना, वैसे ऐसे ही रहते हैं, शहर में ऐसा हो जाता है कि एक तो गर्मी भी होती है फिर अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि सारे लोग वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, गांव में आपको ऐसे ही मिलेंगे, मम्मी आपको ऐसे मिलेंगे, आस पड़ोस वाले आंटियां ऐसे मिलेंगे, हम कैसे चिल जैसे है ना, कोई टेंशन कुछ नहीं है, आपको देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है चिल। चिल करने ही आया हूं मैं, ससुराल में चिल करने आते वैसे बताएं। चलो आप एंजॉय करो अपना दलिया। तो भाई अपना इवनिंग टाइम हो चुका है और जैसे हम लोग शिमला में वॉक करते थे आज भी सोच रहे कि वॉक पे चले जाते हैं, क्योंकि डिनर तो चाचू के घर में है, आराम से जाएंगे आराम से खाएंगे, और मम्मी नेहा और मैं हम तीन ही जा रहे हैं फिलहाल, तो ये तो फिलहाल कपड़े अंदर रख रहे हैं धूप क्योंकि छुपने वाली है। वाओ नाइस यार, सनसेट दिखाऊं मैं आपको, ये देखो नेहा के घर के सामने भी बिल्कुल बहुत प्यारा सनसेट होता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर की धूप है फिर तो सूरज चला जाएगा। तो अभी हम लोग निकलते हैं थोड़ा सा वॉक करते हैं, हम वॉक करने जा रहे थे शायद। अब क्या कर रहे हो आप, मेरे को कुछ दिखा, खट्टे होंगे शक्कर बारे, तूने नहीं खाना ना मतलब, ले आओ एक, फिर ऊपर चोटी में है इसमें देखो पीला ना, ये भी ठीक लग रहा है, दो तीन ले आओ दिखाओ जरा शक्कर बारे। तो चार शक्कर बारे मैंने लाए, तो इनका साइज अभी ज्यादा बड़ा है नहीं है, नहीं तो खा के देखते है कच्चे, मैं भी खा के देखता हूँ, मेरे को काफी दिनों से था ये कि मैंने कहा यार यहाँ पे है, टेस्ट करके देखूंगा, नॉट बैड, इतना खट्टा नहीं है, वाओ लेट्स गो। इस फूल पे आपको फूंक मारनी है जब मैं बोलूँगा, ठीक है, और काफी अच्छा जाता है, अपनी तरफ को कर दो कैमरा। चलो तो ये है जी फूल, इस पे नेहा मारेगी फूंक, देखते कितना दूर जाता है, ठीक है, थ्री पे मारना, 1 2 3 ये धोखा दे गई, टूट गया, नहीं तो जाना था अभी पूरा मुंह में, शिट, ओह नो, ऐसे गंदे काम नहीं करना करो, अच्छा लगा आपको, नहीं जम्स होते हैं इसमें, हाँ क्या कुछ नहीं सकता। नेहा ने बदला ले लिया है मुझसे, तो मेरे पीछे सर पे पता नहीं इसने क्या फेंका है, नहीं देख पा यार नेहा, ये बड़ी गलत बात है, मैंने इतना कुछ तो किया और मैं चाहता मुंह के अंदर डाल सकता था उसको, पर मैंने नहीं किया, मैंने मुंह के साइड में डाला, कुछ भी चीजें नहीं डाल सकते, हार्म होती है, हाँ तभी इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इधर टच किया हो, और आपने जो मेरे साथ किया ना अच्छा नहीं किया, पता नहीं क्या डाल दिया, क्या डाला, हम लोग बच्चों की तरह है, चलता रहता है, पर मजेदार है यार ये, जब पक जाएंगे ना मम्मी और बढ़िया लगेंगे, तो मम्मी भी हमारे साथ वॉक पे आया, कैसा लग रहा है बढ़िया, और यहाँ पे गर्मी नहीं है ना इस वजह से वॉक का भी मजा आता है, बाहर तो चली जाती हूँ, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकलती, सही बात है, बाहर नहीं होता वैसे एक दूसरे का, हेलो हेलो बेटू गुड मॉर्निंग, तो ये देखो कितना खुश हो रहा है, देखो पहले मिला कभी नहीं है ना, अरे रे 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 कहाँ भैया के, ओ अच्छा 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 गले भी मिल लिया मैं बेटू, गुड बॉय, आजा इधर आजा इधर इधर, ओए मेरे साथ खेलना तू, आजा। तो वॉक करते करते हम उस रोड पे आ गए जिस रोड से हम लोग कीत को पहुंचते हैं, तो ये वाली सड़क है, यहाँ पे 4x4 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जिप्सी कामयाब है, और जो छोटी गाड़ी है ऐसे तो चढ़ जाती है पर थोड़ा बहुत नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं, क्या लगता है तुम्हें नेहा? यार मेटल करने के लिए पैसे भी आ रखे हैं, पता नहीं कुछ इशू पड़ा हुआ है,
तो शायद मे भी हो जाए ये सीजन से पहले पहले मटन हो जानी चाहिए, क्योंकि सड़क में देखो एक तो चढ़ाई है, फिर ऊपर से खड़ुंजा तो डला हुआ है, पर वो ज्यादा बेटर नहीं है इस टाइम पे। हमारे यहाँ तक रोड आ गई वो ही बहुत बड़ी बात। हाँ ये बड़ी सहूलियत है, नहीं तो बहुत नीचे से आना पड़ता। तो यही सड़क जो जा रही है वो नीचे नीचे गांव को कनेक्ट करती है, फिर गांव से चढ़ना पड़ता था ऊपर ऊपर इस धार पे, फिर जाके वहाँ पे ऊपर कीत पहुँचते हैं। दिख रहा है जो ये माता रानी का मंदिर है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग और नीचे जाएंगे, वॉक करते करते हम लोग गाँव के नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये है जी मेन गाँव कीत गाँव। यहाँ से ये लोग जो है ना ये हाइट पे शिफ्ट हो चुके थे, बाकी सारे लोग यहीं पे ही सेटल हैं, और यहाँ पे इनका घर भी है ये वाला, तो यहाँ रहते सबसे छोटे चाचू। तो यहाँ पे भी जाएंगे हम इनसे मिलने, पर आज तो नहीं, बीच में आएंगे कभी। तो अपना डिनर टाइम तो हो चुका है, हम जा रहे हैं चाचू के घर। उससे पहले मैंने देखा कि वाह कितनी बड़ी मकड़ी है। नेहा तुमने देखा इसको? मुझे डर लगता है, तो मैंने देखा मैंने अगर तुम्हारी तरफ आ गया है। नहीं नहीं आता, मेरे को बहुत डर लगता है। चले खाना खाने। हाँ चलो, आपका ही वेट कर रहे थे हम। तो भाई अब समय आ चुका है कि हम जा रहे हैं डिनर के लिए चाचू के घर। तो इतना हंस क्यों रहे हो भाई, क्या बात होगी? कुछ माँ बेटी की बात हो गई। अच्छा मुझे नहीं बता पाए। चलो ठीक है जी। और ये देखो कितना सही है ना, रात को भी सारी लाइटें ऑन करके ना काफी खूबसूरत ये गैलरी लगती है। यस तो ट्रेन इसलिए बोला जा रहा है, ये देखो ट्रेन में नहीं होता ऐसे चलने के लिए, और फिर ऐसे कैबिन्स होते हैं। तो हम चाचू चाची के घर पहुंच गए हैं। सिड्डू मेकर तो मेरे को सबसे पहले ही दिख गया, क्योंकि मैंने सुबह बोला था सिड्डू ही बनाना। पहाड़ी में सबसे पहले ही होता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होना। हाँ वेजिटेरियन के लिए पनीर या फिर सिड्डू। तो हमारे स्वागत के लिए चाची ने देखो वाह अरबी के सिड्डू बनाया। क्या बात है। और चाचू चाची ठीक है आप लोग? बढ़िया बढ़िया। खिड़की खोली हुई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं वही थोड़ा जैसे बैठा ना एकदम, तो मेरे को लगा मैंने कहा आज कुछ ज्यादा ठंड है इधर। खिड़की खोली है, हवा आती है जंगल से ना। भी सेम उस तरफ वहाँ खिड़कियाँ खोलो ना, बड़ी ठंडी हवा आती है। विंड शटर आप नहीं पहना, बाकी बिना स्वेटर से सब थोड़ा ठंड है। चलो अब हाँ शाम के टाइम जो ठंड है खाना खाते, क्योंकि हमारा परिवार जल्दी खाना खा लेता है, हम लोग लेट है। हाँ खाने से पहले देखो ये आइटम हमें मिल चुकी है, ये छोटा सा डाइनिंग टेबल, पतला जो भी आपने समझना है, मिनी डाइनिंग टेबल। आगे रखो इस पे एकदम थाली आ जाएगी, और सिड्डू खाने के लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि नहीं कैसा घी ऐसे डिप करके ना तो फिर इतना ऊपर लाना पड़ता तो घी नीचे भी गिरता है। यहाँ से आप सिंपल ऐसे खा सकते हो। ये अच्छा मेरे को काफी अच्छी लगी, इससे ऐसा ना पेट नहीं दबेगा। हाँ और जगह बनेगी तो ज्यादा खा सकते। दो सिड्डू खाएगा, क्योंकि नहीं तो अगर तो ऐसे झुके ना तो फिर पेट दब जाता है। इसमें तो जितना ज्यादा आदमी खा सके कमजोरी आ गई है ना, कमजोरी आ गई। बाकी जगह क्या होता है कि जितना कम खाए उतना बढ़िया है। तो देखो ये जो सिड्डू है ना, इसको देख के ही पता चल रहा है कि कितना जबरदस्त होगा। बाहर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और अंदर से ये मीठे की स्टफिंग। वाह वैसे तो मैं नहीं सोच रहा था खाने की, पर इसको देख के मेरे को लग गया कि मीठे वाला भी खाऊंगा। बंगजीरी की है ये, कसम से बहुत बढ़िया बना। वाह ये देखो ये होते हैं सिड्डू। पापा का ध्यान पूरा सिड्डू में ही है, ये है पापा के पास भी है। तो अब जाके हम लोग फ्री हुए, काफी मजा आया। और ये जो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम होता है ना, ये काफी अच्छा होता है, और ससुराल में तो बहुत कम टाइम मिलता है। तो आज हमें अच्छा टाइम मिला, चाची ने जो सिड्डू बनाए थे एक नंबर, मैं बयान नहीं कर सकता इतने टेस्टी बने थे। तो अब हम जाके आए, अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। और कल हमने कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको उसी व्लॉग में पता लगेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.